बच्चों, तो हिंदी विषय के अपने अपने बुक लीजिए। मैं आपको आज चलूंगी हिंदी विषय। उस दिन मैंने आपको कौन सा वर्ण पढ़ाई थी? मैंने आपको टमाटर टॉप, ठटेरा ठटेरा टॉप, ये दो वर्ण आपके कंप्लीट हो गए। ठटेरा मैंने आपको बताया ना, जो बर्तन बनाता है उसको ठटेरा टॉप। आज मैं आकरूंगी डब्लू डब, टमाटर टॉप ठटेरा ठा, और उसके बाद जो वर्ण आता है वो है डमरू ड। डमरू डे ने पता है ना आपको, जो शिवजी बजाते हैं डमरू, वो उसको बोलते हैं डमरू। और आप भी खिलौने खिले उसके साथ खेलते हो, मेले में मिलता है, बाजार में मिलता है, दुकान में मिलता है। तो ये क्या है? डमरू। ये क्या है? डमरू। देखिए, ड से डमरू बाजे डम डम, मेरी गुड़िया नाचे छम छम। यानी डमरू कैसे बाजता है? डम डम बजता है, और आपकी गुड़िया क्या होती है? छम छम नाचती है। यानी डमरू कैसे बजता है? डम 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 ऐसे करके आप बजाते हैं ना, उसको बोलते हैं डमरू ड। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डमरू ड। तो कैसे लिखते हैं डमरू ड? लिखना भी बहुत आसान है। आप ऐसी चार कॉलम बना लीजिए अपने बुक पर, तो या आप हेडिंग लिख लीजिए और ऐसा पिक्चर बना लीजिए। क्या है? डमरू ड। तो डमरू ड लिखते आपको इमली की लिखते आता है ना, तो बस इमली लिखते आना आता है, तो डमरू ड भी आपको लिखते आना आता है, आना चाहिए। क्योंकि जैसे कमल का, खरल का, गमला का, घड़ी का, अंग अंग में जो पॉइंट आपने इसके पास सामने दिया है, वो पॉइंट हटा के आपको जैसा का वैसा डमरू ड लिखना है। देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, किसी छोटी लाइन लीजिए, उसके बाद इसको इमली जैसा ऐसा उल्टा सी और सीधा ऐसे और सीधा सी उल्टा सी बना के सब घुमाइए, हो गया। और उसके ऊपर ऐसी लाइन खींचिए, ये क्या बन गया? डमरू ड। देखिए, छोटी लाइन खींचिए, उसके बाद इधर से ऐसा घुमाइए और इधर से घुमाइए और ऊपर ऐसी लाइन खींचिए, ये क्या बन गया? डमरू ड। इमली में आप नीचे ऐसे लेते हैं, आप ऐसे लेते हैं, नहीं लेना है आपको, उसके बदले आपको ये हटाना है और सिर्फ ऐसे लेना है, ओके। तो देखिए, एक छोटी लाइन खींचिए, फिर ऐसे सी जैसा बना के उल्टा सी बना के ऐसे बना, डमरू ड। देखिए, इसी प्रकार से छोटी लाइन दीजिए, सीधा सी और उल्टा सी, और उसको ऊपर से लाइन खींचिए, ये क्या बन गया? डमरू ड। देखिए, एक छोटी लाइन दीजिए, सीधा सी, और उसको एक गोल टर्न करके नीचे से घुमाइए और ये इसी प्रकार से बनाइए, क्या बन गया? डमरू ड। देखिए, छोटी लाइन, सीधा सी और उल्टा सी, और ऊपर से घुमाइए, ये क्या बन गया? डमरू ड। देखिए, डमरू बाजे डम डम, मेरी गुड़िया नाचे छम छम। देखिए, इस प्रकार से आपको डमरू बनाना है, छोटी लाइन देना है, इधर से घुमाना है और उधर से घुमाना है, इस प्रकार से आपको डमरू ड बनाना है। देखिए, एक छोटी लाइन देना है, फिर इधर से घुमाना है और इधर से घुमाना है और ऊपर से लाइन बनाना है, ये क्या बन गया? डमरू ड। छोटी लाइन, सीधा सी, फिर उसको टर्न करके उल्टा सी और ऊपर से एक लाइन स्लिपिंग लाइन खींचना, ये क्या बन गया? डमरू ड। छोटी लाइन, सीधा सी, फिर उल्टा सी और फिर ऊपर से लाइन खींचना, ये क्या बन गया? डमरू ड। देखिए, छोटी लाइन, उल्टा सी, सॉरी सीधा सी और उल्टा सी और ऊपर से लाइन खींचना, ये क्या बन गया? डमरू ड। इस प्रकार से आपको नीचे नीचे पूरे पंक्तियों में लिखना है, ओके।